गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में बेसिक जानकारी ली थी। उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसी क्रम में अब अपन आज मोनोसैकेराइड को थोड़ा डिटेल स्टडी करेंगे। मोनोसैकेराइड जैसा अपन ने कल डेफिनेशन में देखा था, वे सैकेराइड होते हैं जिनका जल अपघटन नहीं होता, तो उन्हें अपन मोनोसैकेराइड कहते हैं। अगर मोनोसैकेराइड अपने पास अवेलेबल हैं तो अपन मोनोसैकेराइड को फिर फर्दर क्लासीफाइड करेंगे क्रियात्मक समूह के आधार पर, और फंक्शनल ग्रुप के आधार पर अगर मोनोसैकेराइड को क्लासिफाई किया जाए तो दो ग्रुप अपन को मिलेंगे। अगर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह हैं तो अपन नाम दे देंगे एल्डोस, और कीटोन क्रियात्मक समूह हैं तो अपन नाम दे देंगे कीटोस। इस तरह से अपने पास दो क्रियात्मक समूह के आधार पर दो ग्रुपों में अपन इसको, जैसा कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डायग्राम में या नोट्स में, कि इन्हें क्रियात्मक समूह के आधार पर दो समूह में बांटा गया है, एल्डोस और कीटोस। ठीक है, इसी ग्रुप को अपन आगे बढ़ाते हुए, इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए एल्डोस के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। वे कार्बोहाइड्रेट जिनमें फंक्शनल ग्रुप पॉलीहाइड्रोक्सी तो होते ही हैं, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है? तो फंक्शनल ग्रुप इनमें कीटोन एल्डिहाइड उपस्थित होता है, इसलिए इनको नाम दे दिया गया है एल्डोस। तीन कार्बन है और एल्डिहाइड है, ट्रायोस, एल्डोट्रायोस, एल्डोटेट्रोस। ठीक है, जैसे ये एल्डोट्रायोस तीन ग्रुप वाला, ये एल्डोट्रायोस, ये टेट्रोस, ये पेंटोस और ये हेक्सोस। सेम इसी तरह अगर कीटोन क्रियात्मक समूह है तो अपन इसको कह देते हैं कीटोस। क्या कह देते हैं? कीटोस। तीन वाला है तो कीटोट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस। इसी क्रम में अब अपन को ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो पढ़ने हैं मोनोसैकेराइड में। नॉर्मली अपन इन दोनों को स्टडी करते हैं, जिसमें फर्स्ट है ग्लूकोज और सेकंड है फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या अंतर है और ये किस तरह से चेंज करते हैं, क्या इनमें डिफरेंस है, ये भी अपन यहीं स्टडी। पहले बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज एक डेक्सट्रोज है, अंगूर शर्करा या सत शर्करा भी कहते हैं, या नॉर्मल भाषा में अपन इसको शुगर बोलते हैं, ग्लूकोन डी। और डेक्सट्रोज क्यों है? ये जब अपन इसमें से पीपीएल को, इसके सॉल्यूशन में से पीपीएल को पास आउट करते, पीपीएल मींस प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो अपन को उसको पास आउट करते हैं तो ये दक्षिणावर्त कुंड प्रदर्शित करती हैं, यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी होने के कारण इसे डेक्स्ट्रोज नाम दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसे बनाने की विधि, सबसे पहले बनाने की विधि है सुक्रोज। सुक्रोज मैंने स्टडी किया था, तो ये एक डाइसैकेराइड है, और डाइसैकेराइड है तो इस डाइसैकेराइड का फॉर्मूला क्या होता है? डाइसैकेराइड का फॉर्मूला होता है C6H12O11। जैसे ही इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलेगा, C6H12O6। सेकेंड अपन प्राप्त कर सकते हैं स्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टार्च यहाँ पॉलीसैकेराइड, और पॉलीसैकेराइड का जैसे ही अपन हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो अपन को मिलेगा ग्लूकोज, C6H12O6। इसके n मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो ग्लूकोज बनाने की विधि कितनी हो गई? दो हो गई, पहले सुक्रोज से और दूसरी स्टार्च। फिर सेम इसी तरह फ्रक्टोज। फ्रक्टोज की बात करें तो फ्रक्टोज मीठे फलों में, जितने भी मीठे फल होते, ज़्यादातर मीठे फल, ठीक है, जैसे ग्लूकोज है वो ग्रेप शुगर में मिलेगा, लेकिन अगर फ्रूट शुगर अपन कहें तो फ्रूट शुगर किसका नाम होगा? फ्रक्टोज का नाम होगा। इसे फल शर्करा भी कहा जाता है, ये सफ़ेद क्रिस्टलीय पदार्थ होता है। ठीक, इसे बनाने की विधि वही सुक्रोज से, सेम सुक्रोज से कैसे बनाएंगे? क्योंकि जो हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो एक मिलता है ग्लूकोज और एक मिलता है फ्रक्टोज, तो वहाँ से मिल जाएगा एक। नेक्स्ट डेलिया की जड़ों से, डेलिया की जो जड़ें होती हैं उनसे इनुलिन प्राप्त होता है, और उसी इनुलिन, ये इनुलिन प्राप्त हो गया, अब इसी इनुलिन का जैसे ही आप जल अपघटन करवाओगे आपको क्या मिल जाएगा? फ्रक्टोज मिल जाएगा। ठीक, अब बात करें ग्लूकोज और फ्रक्टोज बेसिक क्या है, स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है। ग्लूकोज में फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो एल्डिहाइड होता है। क्या होता है? एल्डिहाइड। अब कीटोन में फंक्शनल ग्रुप क्या है? फ्रक्टोज में क्या है? कीटोन। पहला बेसिक अंतर तो यही है, और कोई अंतर नहीं होता इसमें। जैसे इसमें कार्बन की संख्या 6 है तो ये एल्डो हेक्सोस हो गया, 6 है तो हेक्सोस, एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है हेक्सोस, इसमें 6 हैं तो कीटो हेक्सोस हो गया। फॉर्मूला अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें तो सेम है, C6H12O6। स्ट्रक्चर देखी जाए तो स्ट्रक्चर को आपको मैं बताऊं तो ये देखिए, ये है ग्लूकोज, और ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन पर कौन सा क्रियात्मक समूह है? CHO। CHO मींस एल्डिहाइड ग्रुप है,
इसकी और स्ट्रक्चर यहाँ से देखें अपन, ये इसकी डिटेल स्ट्रक्चर है। तो इसमें एक OH ग्रुप की संख्या देखें, एक दो तीन चार पाँच, यानी OH ग्रुप नंबर ऑफ फाइव है, पॉलीहाइड्रोक्सी हो गया। पहले कार्बन पर अगर अपन देखने जाएं फंक्शनल ग्रुप कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड समूह। इस तरह से इसके अंदर अपने डिफरेंस आ जाएगा। सेकंड बात करें तो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज की और ग्लूकोज की डिफरेंस यही है कि इसमें भी OH ग्रुप एक दो तीन चार और पाँच, उसमें भी कितने थे पाँच, इसमें भी कितने हैं पाँच, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो यानी नंबर ऑफ OH ग्रुप तो वही पाँच है, लेकिन डिफरेंस जो है वो फंक्शनल ग्रुप का। और फंक्शनल ग्रुप देखो, यहाँ दो नंबर के कार्बन पे कौन सा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, कीटोन। यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों ही मोनोसेकेराइड हैं, दोनों ही छः कार्बन प्रेजेंट है, दोनों में ही पाँच OH ग्रुप हैं, यानी पॉलीहाइड्रोक्सी। बट डिफरेंस इज दैट, डिफरेंस ये है कि इसमें फंक्शनल ग्रुप जो है एल्डिहाइड है और एक में फंक्शनल ग्रुप जो है कीटोन है। और एल्डिहाइड और कीटोन अगर फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो उन मोनोसेकेराइड का नाम भी बदल जाता है, एल्डो हेक्सोस और कीटो हेक्सोस। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में देखें, नेक्स्ट में बात करेंगे ग्लूकोज की रासायनिक समीकरणों के बारे में। ग्लूकोज की रासायनिक समीकरणों के बारे में अगर बात की जाए तो ये अपने पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, इसकी अपन डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस करवाएंगे। पहले ही रिएक्शन अपन जो करवा रहे हैं वो HCN से करवाते हैं, HCN से रिएक्शन करवाई जाती है। तो HCN से रिएक्शन जो है वो कार्बोनिल ग्रुप की प्रेजेंस को शो करता है, अगर कार्बोनिल ग्रुप है तो वो उससे रिएक्शन करेगा और साइनोहाइड्रिन बना देगा, यानी कि जो एक नंबर के कार्बन है उससे CH ग्रुप छोड़ देगा। तो इससे अपन को पता चलता है कि एल्डिहाइड में कार्बोनिल समूह प्रेजेंट है। सेकंड है इसका हाइड्रोजनीकरण करवाया जाए, हाइड्रोजनीकरण करवाने पर जो कार्बोनिल समूह है वो अल्कोहल समूह में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बताता है कि इसमें एल्डिहाइड प्रेजेंट है, क्योंकि एल्डिहाइड का हाइड्रोजिनेशन इजीली हो जाता है, कीटोन का होता नहीं है। तो ये इस रिएक्शन से ये पता चलता है कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट अगर बात की जाए रेड फॉस्फोरस और HI से रिएक्शन करवाया जाए तो ये एन हेक्सेन मिलता है, और एन हेक्सेन मिलना इस चीज़ को बताता है कि इसके अंदर छः कार्बन प्रेजेंट हैं और छः कार्बन एक सीधी सरल रेखा में जुड़े हुए हैं। अगर नेक्स्ट इसका ऑक्सीकरण करवाया जाए, माइल्ड कंडीशन में करवाया जाए तो केवल एल्डिहाइड समूह का ऑक्सीकरण। देखो एल्डिहाइड समूह CHO समूह था, वो COOH समूह में चेंज हो गया, तो इसका मतलब एल्डिहाइड का इजीली ऑक्सीकरण। अगर और नाइट्रिक एसिड से करवाया जाए तो जो प्राइमरी अल्कोहल होता है वो प्राइमरी अल्कोहल भी OH ग्रुप में। अगर पहले ऑक्सीकरण करवाया जो कम में था तो ग्लूकोनिक अम्ल मिला, ज़्यादा करवाया तो सैकरिक अम्ल बन गया। अगर इसी तरह अपन का रिएक्शन करवाएं एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से, एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटिल क्लोराइड से रिएक्शन करवाने पर इसमें जो उपस्थित पांच हाइड्रोक्सी समूह होते हैं उनसे रिएक्शन होगी और पेंटा एसिटिल ग्लूकोज बनेगा। इस तरह से ये थी इसकी केमिकल रिएक्शन। पहले HCN से करी हुई, तो HCN किसके बारे में बताती है, HCN ये बताती है कि इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित, H2 और प्लेटिनम की उपस्थिति में जिसे हाइड्रोजिनेशन कहते हैं, कैटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, वो ये बताता है कि इसमें एल्डिहाइड समूह उपस्थित हैं। रेड फॉस्फोरस और HI से रिएक्शन करवाते हैं, वो ये बताता है कि इसके अंदर छः कार्बन एक सीधी सरल रेखा में जुड़े हुए हैं। अगर अब इसकी क्रिया एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाते हैं तो पांच OH समूह की उपस्थिति हो प्राप्त पता चलता है और पेंटा एसिटिल ग्लूकोज मिलता है। अगर इसका ऑक्सीकरण दुर्बल माध्यम में करवाया जाता है तो अपन को ग्लूकोनिक अम्ल बनेगा, क्यों, केवल एल्डिहाइड समूह का ऑक्सीकरण हो सकता है दुर्बल माध्यम, लेकिन यही प्रबल माध्यम में ऑक्सीकरण करवाया जाए तो सैकेरिक अम्ल प्राप्त होता है। इससे ये पता चलता है कि जो प्राइमरी अल्कोहल था और एल्डिहाइड समूह था, इन दोनों का ही ऑक्सीकरण हो गया और ऑक्सीकरण होने से अपन को सैकेरिक एसिड की प्राप्ति हो गई। तो आज के जो लेक्चर था उस लेक्चर में अपने सबसे पहले पढ़ा मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड को फिर फंक्शनल ग्रुप के आधार पर एल्डिहाइड और कीटोन, यानी एल्डोज और कीटोन में बांटा गया।
फिर उसकी केमिकल रिएक्शन से बनाने की विधियाँ और केमिकल रिएक्शन पे, केमिकल रिएक्शन केवल अपन ने ग्लूकोज की डिस्कस की क्योंकि अपने सिलेबस में केवल ग्लूकोज है। ओके डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।